काबिले काबिले सताइश है कि आपने चार साल में कभी कमेंट किया और अब भी आप पीछे बोर्ड पर किसी भी बात पे कारकर्दगी भी नहीं करे, बड़ा काबिले सताइश है। किसी को मद्देनजर रखते हुए क्या रमीज राजा को कमेंट्री करने के लिए मधु करेंगे? देखिए, रमीज राजा साहब को किसी सूरत में भी नहीं रोका जाएगा। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। मुझे एहसास है उन पर किस किस्म का प्रेशर था मेरे बारे में फ्रॉम अप, सो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। रमीज इज़ अ फ्री मैन एंड इफ ही इज सेलेक्टेड फॉर कॉमेंट्री किसी स्टेज पे भी वी विल नॉट अपोज इट। नो सर, वी विल नॉट। मुझे ये नहीं पता कि सवाल हुआ नहीं हुआ। चलो, तारिक हुसैन, अच्छा मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट पे आपने कहा था कि बहाल जाहिर हो गई या आईन अगर बहाल हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट्स इतने विलिंग नहीं नजर आ रहे। आपने कहा हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो उस सिलसिले में क्या होगा कि अगर डिपार्टमेंट्स स्पोर्ट्स नहीं मानते? And I hope I have the government's backing to convince them. So let's wait. मैं मिलूंगा सबको जाके। I'll try and persuade them to come on board. जुबैर जी, सेठी साहब, पहले तो ये चीज़ बता दीजिए कि वीमेन क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन के ऊपर गई है, तो उसके हवाले से कुछ आपके जहन में है? दूसरा एक छोटी सी चीज़, अभी आपने सिंध के हवाले से बात की, सिंध गवर्नमेंट के कुछ रिजर्वेशन हैं, उनके तहफ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे आप? कौन से रिजर्वेशन? करेंगे तो पता लगेगा आपको। सीएम पे दिए थे वो पैसे ले लिए गए, बट वो टूर्नामेंट आज तक शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं जाके देख लूंगा व्हेन आई गेट अ ब्रीफ ऑन इट, तो फिर आई कांट आंसर योर क्वेश्चन। इमरान, आपका एक और सवाल वीमेन का। वीमेन, देखिए, मुझे याद है कि जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त हमने 5 यहाँ और खवातीन के लिए अकेडमीज भी प्रपोज की थी, सब कुछ किया था। जब मैं आया हूँ तो पता चला कि कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं वही सिस्टम को फिर रिवाइव करूँगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह आई होप आई हैव द टाइम टू रिवाइव वीमेंस क्रिकेट। बिकॉज देखिए, हमने कहा कि जब हम PSL यहाँ लेके आए थे तो मुझे याद है कि पहले PSL के मैच में दुबई में वहाँ 2 कोर कमांडर्स बैठे हुए थे, सर्विंग कोर कमांडर्स। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। वो आके आराम से बैठ गए वहाँ। मुझे किसी ने कहा, आपको पता है वो बैठे हुए? मैंने कहा, नहीं, कौन बैठ रहा है? दीदी, कराची को कमांडर बैठे हुए हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठे हुए हैं, सर्विंग। मैंने कहा, अच्छा यार, बताते। मैं जाकर वेलकम करता, मैं गया, मैं सलाम दुआ लिए, बता दिया। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे याद आया, तो उन्होंने कहा, सेठी साहब, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर अ मॉडरेट स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री and this is very important. मुझे वो दिन याद है, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग कि ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं। और मैंने हर अपने स्पीच के अंदर ये बात की, दुनिया देखो, हम अमन पसंद लोग हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमसे क्रिकेट खेलिए, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। वापस लाना था तो ये कहना ज़रूरी था। तो वो पैगाम खैर चला गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम कामयाब हो गए, क्रिकेट भी बहाली हो गई। तो ये मेरा तो वही उसी किस्म का यहाँ भी पोजीशन होगी कि ख्वातीन हाफ ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे और इनक्रेज नहीं करेंगे तो फिर किस किस्म का मुल्क बनाएंगे हम? तो इसलिए आई विल गिव फुल सपोर्ट, एक्स्ट्रॉर्डनरी सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेमेन इन स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट इन पर्टिकुलर। प्लीज़ रेस्ट।